हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो कैसे आप सब? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज लोग काफ़ी टाइम बाद में स्टार्ट करी हूँ। आज है ट्यूसडे, अभी टाइम हुआ इवनिंग के 7:15। तो सोचा आज क्यों ना मंदिर चला जाए, आज है ट्यूसडे तो चलिए चलते हैं मंदिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये ब्लॉग मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू रख कर रही हूँ, मतलब नेक्स्ट डे से। तो नेक्स्ट डे मैंने शेक पी लिया था, अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में मैं बनाऊँगी दाल रोटी, और यहाँ पे मेरा हो रहा है दूध बॉईल। सो ये मैंने सारी प्रेपरेशन कर रखी है, बस दाल में तड़का देना बाकी है और रोटी बनानी बाकी है। सो गाइस, अगर आप सभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाना। सो गाइस, मेरे 2 मंथ से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी, एक बार मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँ। बट अब जितना भी हो सकेगा मैं आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करूँगी, और आप मेरी वीडियोस को उतना ही प्यार देना जितना आपने मेरे वीडियोस को पहले प्यार दिया है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया तड़के की पूरी तैयारी। मैंने फ्राई पैन में घी डाल दिया है, क्योंकि दाल में तड़का तो घी से ही लगता है, तो घी डाल दिया मैंने। इसके बाद में प्याज और टमाटर को करूँगी। तो प्याज को मैं करूँगी गोल्डन ब्राउन, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर, हरी मिर्ची। तो गाइस, अगर मैं ज़्यादा हाई फ्लेम पे गैस को कर देती तो ये सारी चीज़ें जल जाती और घी भी जल जाता है, इस वजह से मैं लो फ्लेम पे पका रही हूँ इन सबको। और ये बस मेरी पकने ही वाली है 1 से 2 मिनट में, उसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी और पूरी दाल को रेडी कर देती हूँ। देखते जाइए आप सभी। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। सो लगभग ना मेरी प्याज हो गई थी, अब मैंने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, और इसके बाद मैंने इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया है। अब मैंने इसको रख दिया ढक के पकने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए। दूध भी मेरा बॉईल हो गया था, देख लिया मैंने, नहीं तो सारा ही निकल जाता। और ये मेरा पेस्ट रेडी हो गया है, अब मैं इसको पलट दूंगी दाल के अंदर। सो कुकर के अंदर ही मैं इसको पलट के 1 सीटी करवा दूंगी इसमें, ताकि दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। सो देख सकते हैं आप सभी, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद कुकर में लगा रही हूँ ढक्कन, और लगवाऊंगी 1 सीटी, उसके बाद मेरी दाल रेडी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप सभी, मेरी प्लेट रेडी हो गई है। सो आइए, आप सभी भी लंच कर लीजिए। तो अभी टाइम हो गया इवनिंग का, तो अब मैं बनाऊंगी हलवा। फ्राई पैन में मैंने घी डाल दिया है, सूजी को ले लिया मैंने, 1 गिलास पानी ले लिया, चीनी ले लिया, और घी मेरा थोड़ा सा गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर सूजी डाल दी। पहले मैं सूजी को भूनूंगी अच्छे से। तो देख सकते हैं आप सभी, सो गाइस, वैसे तो हम इवनिंग में शेक पीते हैं, बट कभी कभी उसको चेंज भी करते रहते हैं, कभी पनीर खा लेते हैं तो कभी हलवा, क्योंकि मंजीत का डॉक्टर ने बताया हुआ है इस वजह से। तो मैं बना रही हूँ हलवा। तो सबसे पहले तो मैं सूजी को घी में भून लेती हूँ अच्छे से, तब तक इसमें गोल्डन सा कलर ना आ जाए, तब तक सूजी को भूनते रहना है। सो हलवा किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देख सकते हैं आप सभी, इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होने लग गया है। हाँ जी गाइस, तो मैं सूजी को ना लो फ्लेम पे भून रही हूँ, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ अभी तक तो रेडी हो जाता। तो सूजी मेरी भून गई है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 गिलास पानी। इससे ज़्यादा मैं सूजी को नहीं भूनूंगी, नहीं तो फिर ना ही सूजी जल जाएगी, तो हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और कलर भी बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो मुझे इतनी ही भूननी थी, मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। तो मैंने पानी डाल दिया है, तो पानी के अंदर जल्दी मिक्स हो जाएगा। उसके बाद डालनी है चीनी,
तो पानी मिक्स हो गया था और अब इसके अंदर बस चीनी डालने बाकी है। फिर हलवा जब घी छोड़ने लग जाएगा तो हलवा मेरा रेडी है। हलवा मेरा फ्राई पैन से हटने लग जाएगा, इसका मतलब हलवा रेडी है बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप सभी, मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है और बस अब ये 2 से 3 मिनट में हलवा मेरा रेडी होने वाला है। तो गाइस मेरा हलवा ना बिल्कुल रेडी हो गया, देख सकते हैं आप सभी, ये मैंने डाल दिया अपना। तो चलिए आप सभी भी खा लीजिए, आ जाइए। और गाइस अभी टाइम हो गया इवनिंग के 5:30, तो मैंने सोचा क्यों ना मशीन लगा ली जाए, कपड़े धो लिए जाएँ, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो जैसे ही मैंने मशीन लगाई, एक राउंड तो धुल गया था, उसके बाद इतना तेज आंधी तूफान और बारिश आने लग गई थी, फिर मेरे कपड़े काफ़ी लेट धुले, देख सकते हैं आप सभी, मैं दिखा रही थी आपको। और जैसे ही मेरे एक बार के कपड़े धुले, तुरंत ही आंधी और बारिश आने लग गए थे। सो गाइस उसके बाद मैंने सारे कपड़े अंदर सुखाए, रूम में डाले, देख सकते हैं आप सभी। और सारे कपड़े मैंने वॉश किए बारिश के रुकने के बाद, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ चेयर पर फैलाए, कोई दरवाजे के पीछे, कोई खिड़की में, ऐसे मैंने कपड़ों को सुखाया। तो देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे टॉवल है, कहीं पे कुछ, ऐसे ही मैंने सारी चीज़ें सुखाई। बट कोई नहीं, ये तो पंखे की हवा में सूख जाएंगे क्योंकि उसमें सूखे हुए। सो अगर आप सभी को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं जल्दी नए